जयपुर थाना क्षेत्र के भगतुआ पुराए पेट्रोल पंप के पास स्थित शराब के ठेके के बाहर मंगलवार को बिजली विभाग के संविदा कर्मी मुक्तिनाथ की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में अहम सुराग बनी आरोपियों की बाइक से पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से एक सीआरपीएफ का जवान है। दोनों आरोपी बलुआ थाना क्षेत्र के फुलवरिया गाँव के रहने वाले हैं। इस मामले का वर्कआउट करते हुए डीसीपी वरुणा जोन ने बताया कि मुक्तिनाथ को जिस समय दो लोग पीट रहे थे उस समय ग्रामीणों ने बाइक का नंबर नोट कर लिया था। बाइक के रजिस्ट्रेशन के आधार पर पुलिस चंदौली के बलुआ थाने के नैढ़ी गांव पहुंची। वहां बाइक मालिक को पकड़कर चौबेपुर थाने लाया गया तो उसने बताया कि फुलवरिया गाँव के रहने वाले सीआरपीएफ जवान के पिता ने उससे साल भर पहले बाइक खरीदी थी और पेपर ट्रांसफर नहीं करवाया था। गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि शराब खरीदने के विवाद में हमने एक कृत्य अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस ने दोनों को संबंधित धाराओं में जेल भेज दिया है। इस घटना में हम लोगों ने फिर जांच करी तो वहाँ पे जो आरोपियों की मोटरसाइकिल थी उस मोटरसाइकिल के आधार पे उनकी पहचान की गई। पहचान कराने के बाद उनकी गिरफ्तारी करके जेल। कौन ये जो दोनों रहने वाले कहाँ के हैं, क्या इनका? ये एक मनीष उपाध्याय है और एक पंकज उपाध्याय जो वहाँ के बगल के ही गाँव के रहने वाले हैं। फुलवरिया ग्राम थाना बलुआ जनपद चंदौली के रहने वाले हैं। इन दोनों को गिरफ्तार करके जेल।